आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ भाई दूज स्पेशल कोकोनट बर्फ़ी। कोकोनट बर्फ़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, एकदम सॉफ्ट जूसी, मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई होती है। भाई दूज का त्यौहार है, साथ साथ दिवाली भी है, हम कुछ नया बनाने की सोचते हैं, नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं, तो आप भी अपने भाई के लिए ये मिठाई बना सकते हैं। भाई दूज का त्यौहार हर भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा खास दिन होता है, तो आप भी अपने भाई के लिए ये मिठाई बना सकते हैं और अपने हाथों से बनाइए और अपने भाई को खिलाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाने वाले हैं। आप ये मिठाई बिल्कुल 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और एकदम सिंपल तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नारियल बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें 3 कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो जो सूखे वाला जो नारियल होता है, जो हर मिठाई में हम यूज़ करते हैं, तो वो लीजिए, ऊपर का छिलका उतार के आप इसे मिक्सी में पीस कर वो ले सकते हैं। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट हम अच्छे से चला लेंगे, इसको ज़्यादा नहीं पकाना और बिल्कुल लो फ्लेम रखना है। तो चलिए 2 से 3 मिनट हम इसको पका लेंगे। 2 से 3 मिनट है, मैंने इसको अच्छे से चला लिया है। अब मैंने 2 कप यहाँ चीनी ली है, 2 कप चीनी ली है, ये नॉर्मल वाली चीनी है। मैंने इसको हल्का सा मिक्सी में चलाकर इसको हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। ऐसा हम दरदरा सा अगर इसे पीसेंगे तो मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अच्छे से हम मिला लेंगे और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया है, ये गुनगुना दूध है। गुनगुने दूध में मैंने थोड़ी देर पहले इसमें केसर के स्ट्रैंड्स डाल दिए थे, 8 से 10 मैंने केसर के धागे डाले हैं, जिससे इसका कलर भी आएगा, खुशबू भी आएगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो आप ये डाल सकते हैं, केसर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो नॉर्मल दूध होता है वो लीजिए और जो ऊपर में मलाई आ जाती है वो भी ले सकते हैं आप, या दूध को गाढ़ा करके भी ले सकते हैं। तो चलिए हम दूध इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से, और दूध डालने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और ये बिल्कुल पतला पतला हो जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, ये पहले से पतला हो गया है। इसे हम 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे, लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि नारियल है जल्दी तले में लग सकता है। अब मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर लिया है और 4 बड़े चम्मच ही मैंने इसी में काजू का पाउडर लिया है, काजू को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। मिल्क पाउडर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट एकदम मावे जैसा हो जाएगा, जैसे हम मावा डालने के बाद इसका टेस्ट हो जाता है मिठाई में, ऐसा ही इसका टेस्ट होगा। अगर आपके पास मावा है तो आप 50 से 100 ग्राम उसमें मावा डाल लीजिए, नहीं तो 4 बड़े चम्मच आप मिल्क पाउडर डाल लीजिए, बिल्कुल मावे जैसा इसमें टेस्ट आएगा। और काजू, बादाम या आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे हलवाई जैसा, जैसे हलवाई के वहाँ हमें मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा इसी स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा केसरी फूड कलर लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। मैं इसको थोड़ा सा सुंदर दिखाना चाहती हूँ कि थोड़ी सी ये सुंदर लगे, तो मैंने यहाँ फूड कलर इस्तेमाल किया है। अब इसे हम अच्छे से पका लेंगे। अब मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ देसी घी लिया है, देसी घी डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें एक चमक आएगी, शाइनिंग आएगी, जो बहुत ही इसको लाजवाब बनाएगी, टेस्टी। घी में अपना ही स्वाद, अपना ही टेस्ट होता है, तो घी डाल देंगे हम। अब इसे 5 से 6 मिनट तक हम लो फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे इसमें इतनी अच्छी शाइनिंग है कि आपको क्या बताऊं। आप 5 से 6 मिनट के बाद ये पैन छोड़ने लगेगा और इकट्ठा होने लगेगा। 5 से 6 मिनट इसको पकाते हुए हो गए हैं, देखिए इकट्ठा होने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे।
अब मैंने यहाँ थाली ली है, कोई भी आप प्लेट थाली जिसके किनारे उठे हुए हों या कोई टिन ले लीजिए, उसे घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि जब हम इसमें बर्फ़ी बनाएं तो वो चिपकेंगी नहीं। तो अब हम अपना जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार कर लिया है उसे तुरंत हमें डालना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, नहीं तो ये वैसे ही जम जाएगा। इसकी हमें बर्फ़ी बनानी है तो इसको हम अच्छे से तुरंत गैस से उतारने के तुरंत बाद हम थाली में इसे डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे, सेट करने के लिए इसे रख देंगे, अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसे 30 से 40 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर ऐसे छोड़ सकते हैं तो अच्छे से सेट हो जाएगा। 30 से 40 मिनट हो गई है, मैंने इसे निकाल लिया है, अच्छे से बर्फ़ी सेट हो गई है। अब मैंने इसमें थोड़ा चांदी का वर्क लगाया है, अगर आपके पास ओरिजिनल चांदी का वर्क है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम बर्फ़ी कट कर लेते हैं। बर्फ़ी यहाँ अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, लंबी या चौकोर, जैसे भी आपको पसंद हो आप कट कर लीजिए। मैं यहाँ लंबी कट कर रही हूँ, मुझे लंबी वाली पसंद है, तो आपको अगर चौकोर पसंद है तो आप वो भी कट कर सकती हैं। फिनिशिंग के लिए मैंने किनारे इसके कट कर दिए हैं। चलिए मैं एक बर्फ़ी आपको निकाल के दिखा रही हूँ। यहाँ ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी बर्फ़ी जमकर तैयार हुई है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। देखिए पास से दिखा रही हूँ, इसमें बहुत ही अच्छी शाइनिंग है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं यहाँ तोड़ के दिखा रही हूँ इसे, वाओ इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा है, एकदम यम्मी डिलीशियस, एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये मिठाई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आई एम श्योर ये बहुत पसंद आई होगी आपको, आप ऐसी बना सकते हैं। त्यौहार चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है, तो आप दिवाली पर ये मिठाई बना सकते हैं, भाई दूज पर ये मिठाई बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो आप भी बनाइए, भाई दूज को और स्पेशल बनाने के लिए आप ये मिठाई बना सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है, आप खाएंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, बार बार इसको खाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इन्हें फैमिली में, फ्रेंड में या फिर सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने भाई के लिए कुछ नया बनाइए और उनको खुश कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी भाई दूज़।